राज्य में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन के दौरान छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर जो वक्तव्य किया था, जिसे पूरे महाराष्ट्र में क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ऐसी ही श्रृंखला में नागपुर महानगर भाजपा महिला मोर्चे की ओर से निषेध आंदोलन किया गया। राज्य के विपक्ष नेता अजीत पवार ने नागपुर में शीतकालीन सत्र के दौरान संभाजी महाराज के नाम पर बाल शौर्य पुरस्कार की मांग करते हुए अजीत पवार ने छत्रपति संभाजी महाराज पर अपमानजनक वक्तव्य किया था। भारतीय जनता पार्टी म्हणजे संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी आणि विशेषतः आजचे आंदोलन या ठिकाणी उभारण्यात आलंय ते महिला मोर्चातर्फे। आज महिला मोर्चाचा राज्यव्यापी आहे, आज उद्या परवा भाजपचाही राज्यव्यापी आहे। तुम्ही जे विचारलं की काय भूमिका, अरे इथे काय भारतीय जनता पार्टी काय, या महाराष्ट्रातल्या एकूण एक नागरिकाची हीच भूमिका राहणार आहे की माननीय वंदनीय छत्रपती संभाजी महाराजांच्या विरोधात ते धर्मवीर नाही असं म्हणणाऱ्याला इतकी लाज वाटली पाहिजे। ज्या व्यक्तींनी, ज्या महापुरुषांनी आपला जीव धर्माच्या रक्षणासाठी आणि या देशाच्या रक्षणासाठी दिला, त्या व्यक्तीच्या संदर्भात इतकं निंदनीय वक्तव्य करणं, त्याचा अर्थ केवळ एवढाच होतो की ह्या माणसाला या महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभ्यास नाही, देशाच्या इतिहासाचा अभ्यास नाही, कोण महापुरुष आहे ते माहिती नाही, उचललेली जीव लावली टावला, केवळ काहीतरी विरोधात महापुरुषांचा अपमान करण्याचं बोलत राहायचं आणि प्रसिद्धी मिळू शकत नाही तर कुप्रसिद्धी मिळाली तरी चालेल, या प्रकारची भावना त्यांची आहे आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी इसी के विरोध में आज भाजपा की ओर से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस श्रृंखला में आज भाजपा महिला मोर्चा महानगर नागपुर की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए अजीत पवार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही अजीत पवार के इस्तीफे की भी मांग की गई। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा नीता ठाकरे सहित अन्य महिला पदाधिकारी एवं महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको बता दें कि राज्य के विपक्ष नेता अजीत पवार ने नागपुर में शीतकालीन सत्र के दौरान छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर वक्तव्य किया था, जिसे लेकर पूरे नागपुर शहर में निषेध आंदोलन किया जा रहा है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।